हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने साल 2030 तक 7% के बागवानी क्षेत्र को 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को कई योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जा रही है। तो वहीं वर्ष 2022-23 में बागवानी की कई स्कीमों के तहत 25,000 लाभार्थियों को 166 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई। हमारा जो बागवानी क्षेत्र है इसको हम कैसे और बढ़ाएं, क्योंकि फसल के लिए हमारी जो खेती की जमीन है, हमको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 80 लाख एकड़ जमीन हमारी एग्रीकल्चर लैंड है। इसमें बागवानी और खेती मात्र 7 लाख एकड़ अर्थात 7% ही लगभग इसका उपयोग हम करते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने तय किया है कि 2030 तक इसका व्याप बढ़ाया जाए और जो उत्पाद है उसको भी 3 गुना किया जाए, क्षेत्रफल है उसको भी लगभग 3 गुना 20% तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। 22 लाख एकड़ जमीन पर हम बागवानी और फलों की सब्जी, उस समय फलों की बागवानी और फल और सब्जी की खेती ये करने के लिए हम आगे बढ़ सकें, ऐसी हमारी योजना है। हरियाणा सरकार किसानों को किसी भी फल का बाग लगाने के लिए प्रति एकड़ लागत का 50% से लेकर के 85% तक का अनुदान दे रही है, जिससे प्रेरित होकर प्रदेश के ज्यादातर किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी को अपना रहे हैं और खुशहाल बन रहे हैं। यही वजह है कि सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में एक प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह से आपको अब हम मिलवा रहे हैं, जो चरखी दादरी जिले के गांव कान्हड़ा में रहते हैं, जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी अपनाकर अपनी अलग पहचान बना ली है। और वो बताते हैं कि उन्होंने साल 2007 में मौसमी और रेड माल्टा का बाग लगाया था, जिससे अच्छी पैदावार होने लगी। उन्होंने बताया कि मौसमी और रेड माल्टा का रेट कम से कम 20 रुपए से 40 रुपए तक रहता है। मेरा नाम महेंद्र सिंह, गांव कानड़ा, तहसील चरखीदादरी, जिला चरखीदादरी। मैं 2007 में ये मौसमी रेड माल्टा का बाग लगाया हुआ है और आज तक 16 साल हो गए, और कम से कम यूँ लगा लो 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल, 3 क्विंटल तक इसमें पैदावार होती है। इसका मिनिमम रेट 20 रुपये से लेके 30, 35, 40 रुपये तक रहता है। प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि किसान भाई अगर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार मौसमी या रेड माल्टा की खेती करके देखें, जिससे उन्हें पता लगेगा कि कितनी पैदावार होती है और मुनाफा कितना होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ठेकेदार को ना देकर खुद मंडी में जाकर अपनी पैदावार बेचें, जिससे मुनाफा ज्यादा होता है। मैं किसान भाइयों को ये अनुरोध करना चाहूँ, जो भी किसान अपनी आय दुगनी करना चाहे है तो अपना रेड माल्टा मौसमी ये अपने खेत में लगाओ और एक बार अजमाश की देख लो, या हमारे बगीचे में आने की देखो कि इसमें पैदावार कितनी होती है। और इसमें जो किसान रेड माल्टा मौसमी लगाता है तो उसको प्रोडक्शन खुद ने किया है तो वो अपनी मंडी में भी ले जाके खुद उसका दुगनी आय करके बेच सकता है। जब हम ठेकेदार को देंगे तो हमने 50% वो कमा के ले जाएगा, जब हम खुद बेचेंगे तो हमने सारा पैसा हमारी जेब में डल जाएगा। खबात तो हम खुद खेत में करते हैं और ठेकेदार को हम प्रॉफिट दे देते हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर किसानों को प्रॉफिट नहीं मिला। हम तो ये कहना चाहें कि हम अपने खेत में उगाएं तो हम खुद ही अपनी मंडी तक ले जाके बेचें, या हम अपने सड़क पर अपने आदत की दुकान लगा लें, इसलिए हमने पूरा दाम हमारे पास आ जाएगा तो किसान की डबल आय हो जाएगी। जबकि बाग एक बार लगाकर 15 से 20 साल तक फल की पैदावार मिलती है और इससे लागत और मेहनत भी कम है, जिससे किसान भाइयों के पैसों की बचत होती है। और गेहूं, चने ये तो हर 6 महीने में हमने बोने पड़ते हैं,
कहीं वे आपदा मौसम की हो जाती है, कहीं किसी डाल बरसात हो जाती है, कहीं फंगस आ जाता है, और हर 6 महीना में किसान को दुविधा का झेलनी पड़ती है। तो ये 15-16 साल या 20 साल तक हमारे रेड माल्टा चलेगा, तो हमने बार बार खेत के अंदर उगाना वो करना, इसमें अपने दवाई पानी करो और गुड़ाई करी जाओ, कटिंग करवा लो, अपने भाई मेहनत से पानी दे ही जाओ, तो 16-17 साल या 20 साल तक ये बाग बढ़िया चलेगा। और किसान की बार बार ने बोना ना वो करना, तो इसलिए किसान के पैसे की बचत हो जाती है। प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2007 में पिछली सरकार के कार्यकाल में उन्हें सिर्फ 8,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता मिलती थी, लेकिन मौजूदा मनोहर सरकार में किसानों की आय दुगनी करने और मनोबल बढ़ाने के लिए 43,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं। सरकार के पहले हमने 2007 में 8,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता मिलती थी, अब सरकार को बढ़ा के किसानों को दुगनी आय करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए 43,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को दे रहे हैं। प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह ने सरकार के सहयोग से 7 एकड़ में बाग बढ़ा दिया है और जिससे अच्छी इनकम भी हो रही है, और वो अपने बाग की मौसमी और माल्टा की बिक्री को लेकर के दादरी, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और सताली की मंडियों में भेजते हैं, जहां उन्हें अच्छा मुनाफा मिलता है। तो आपने और बाग बढ़ाए है खुद? तो मैंने आगे 7 एकड़ में बाग और बढ़ा दिया जी, ताकि मेरे बढ़िया इनकम हो रही है, न हमने किसी की जरूरत, हम अपने खेत में आराम से मंडी में भेज देते हैं ग्रेडिंग करके, मेरे पास ग्रेडिंग करने की भी मशीन है और ग्रेडिंग करके ही भेजता हूँ। ज़्यादातर किसान क्या कहते हैं, छोटे और बड़े को सभी को मिला के भेज देते हैं, ताकि हम ग्रेडिंग करके भेजेंगे, छोटा अलग बड़ा अलग, तो उसमें भाव भी हमने अच्छा मिल जाता है। तो कहाँ कहाँ जाता है जी? मेरा जी दादरी जाएगा, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गामा और महेंद्रगढ़ और सतनाली। उन्होंने बताया कि मौसमी और रेड माल्टा के बाग से बढ़िया खेती कोई और नहीं है, क्योंकि मौसमी और रेड माल्टा की खेती से किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ सकती है, और खुद प्रोडक्शन करते हैं तो खुद ही बेचना चाहिए, जिससे मुनाफा ज्यादा होता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मंगलम नर्सरी के नाम से उनकी नर्सरी भी है, जहां वो खुद पौधे तैयार करते हैं और किसानों को बेचते भी हैं, जो हरियाणा सरकार से अप्रूव्ड किया हुआ है। दूसरे किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं दूसरे किसानों को ये संदेश देना चाहूँ कि बाग से बढ़िया दुगनी आय किसी चीज में नहीं होगी। रेड माल्टा मौसमी लगाओ और खुद प्रोडक्शन करो, हो तो खुद ही बेचो उसको, हमने पैदा कर लिया बेचेगा ठेकेदार, तो इसलिए किसान की दुगनी आय नहीं होगी। तो आप खुद भी पौधे तैयार करके? हाँ, खुद मैं मंगलम नर्सरी के नाम से मेरी नर्सरी अप्रूव्ड है सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, मैं खुद पेड़ तैयार करके और किसान भाइयों को बेच रहा हूँ। प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि मौसमी और रेड माल्टा के बाग से प्रति एकड़ 3-4 लाख रुपए की आमदनी होती है, और फिलहाल उनके पास करीब 7-8 एकड़ में मौसमी और रेड माल्टा के बाग लगे हैं, जिससे उनकी कुल इनकम 25-30 लाख तक हो जाती है। अगर आय का माना जाए तो लगभग 1 एकड़ के बाग से लगभग कितनी आय हो जाती है जी सालन? देखो सर जी, पिछले साल तो हमारी इनकम कम हुई है, क्यों आपदा हवा का था, एकदम टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए हमारे कम फल आया। अब की बार न्यू देख लो जी, 3-4 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मेरी इनकम है। तो लगभग कितने एकड़ का बाग है? ये मेरे पास 7-8 एकड़ का बाग है अभी, मेरे ये है कि 30-25 लाख के नजदीक मेरी इनकम हो जाएगी। प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह ने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि परंपरागत खेती में मेहनत और लागत दोनों ज्यादा है, ऐसे में आय दुगनी करनी है तो फलों का बाग लगाना चाहिए, जिससे जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ सके। और कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ किसान भाइयों को, जो भी अपने दुगनी आय करनी है या मेहनत करनी है,
मैंने तो गेहूं भी करते हैं, चना भी करते हैं, सरसों भी करते हैं, उसमें पैदावार कम आती है, सिर्फ खर्चा पानी छटता है। और डबल आय करनी है तो रेड माल्टा, मौसमी ये अपने खेत में लगाओ और जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ जाएगी। बार बार हमने वो चीज़ नहीं बोनी, घास होगा वो इसमें जुताई हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपने गोबरी खाद डाल देना, सिंगल सुपर फास्ट डाल देना, ज़्यादातर जिंक मत डालना। किसी भाई को कोई डॉक्टर सलाह दे खेत के अंदर नीचे जिंक मत डालना, जिंक की स्प्रे करो, अन्यथा हम DAP डालते हैं, सिंगल सुपर फास्ट डालते हैं तो वो हमारे ज़मीन में पेड़ न लेते हुए वो बेकार में पड़ी रहती है, जिंक उसको ख़त्म कर देगी। कुछ करने के जज्बे ने प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह को आसपास के गांव में एक अलग पहचान दिलवाई और इनके बाग को देखकर अन्य किसानों ने भी बाग लगाने शुरू कर दिए। महेंद्र सिंह अन्य किसानों के लिए प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से अनुदान राशि लेते हुए खेत में प्रोसेसिंग मशीन के अलावा नेट हाउस भी लगाया है। प्रगतिशील किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि दक्षिण हरियाणा में ज्यादातर जमीन रेतीली है और ये क्षेत्र प्रदेश के अंतिम छोर पर होने के कारण यहाँ की जमीन पर हमेशा ही सिंचाई के लिए पानी की कमी रहती है और यही वजह है कि यहाँ की जमीन में खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। परंपरागत खेती से आमदनी नाम मात्र होती है। उन्होंने जमीन में कम पानी से पैदावार लेने का फैसला किया और कृषि विभाग से संसाधनों की जानकारी लेकर मौसमी और रेड माल्टा का बाग लगाया था, जिसके बाद हरियाणा की मनोहर सरकार में सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के सहयोग से उनकी आमदनी बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने बाग का दायरा भी बढ़ा दिया, जिससे आज उन्हें कई गुना मुनाफा हो रहा है।